हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आटा बिस्किट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे किसी बर्तन में 1 कप पिसी हुई शक्कर। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी एक कटोरी को लेके उससे साइड मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ पे 1 कप शक्कर में हम यहाँ पे 1 कटोरी घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई रिफाइंड ऑयल हो या बटर हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें कोई लम्स ना रहें। इसे हमें 4 से 5 मिनट अच्छे से विस्क करना है। और 4 से 5 मिनट विस्क करने के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे 1 स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब इसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2.5 कप गेहूँ का आटा या 2.5 कटोरी। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना बनाना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2.5 कटोरी ली है। उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और हमें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अकॉर्डिंग हमें जितना दूध लगेगा हम उस उतना ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें दूध ऐड किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और लगेगा तो आप 1 से 2 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक डो बना लेना है, इसका आटा गूंथ लेना है। अब ये रेडी है। तो अब इसके हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे। आप जिसमें भी बेक करो, स्टील की या जो भी। यहाँ पे मैं माइक्रोवेव से यूज़ कर रही हूँ तो उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया। और एक इसकी हम छोटी सी लोई लेके हम इसकी छोटी छोटी बिस्किट बना लेंगे, क्योंकि ये बेक होने के बाद अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं। अगर हम इसको ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो आप मेक श्योर आप इस साइज़ की बनाओ। इस तरीके से अपनी जो सारी बिस्किट है रेडी कर लेंगे। और इसको हम ओवन में या कढ़ाई पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आपकी बिस्किट पतली या थोड़ी सी मोटी है तो 2 से 4 मिनट कम ज़्यादा लग सकता है। और ये हमारी जो बिस्किट हैं वो बेक हो चुकी है और आप देख सकते हैं उनका साइज़ भी डबल हो गया है। और ये अभी थोड़ी सी गर्म है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहेंगी, लेकिन ठंडी होने के बाद एकदम क्रंची हो जाती हैं। तो उसको थोड़ा देर हम ठंडा होने देंगे। और जो ठंडे होने के बाद जो हमारी बिस्किट हैं वो एकदम रेडी हैं। ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ज़्यादा क्रंची और एकदम बेकरी जैसी लगती हैं। तो वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।